फाइबर रोड को गुरु रोड को अपवन चेक रोड को एंड ग्लास रोड को ठीक है। डिफरेंट साइट्स होती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। लेट्स से मेरे पास ये एक फाइबर प्लेटफॉर्म है एज अ बिगनर, लेट्स से मैं एक बिगनर हूं ठीक है। मैंने स्टार्ट किया है वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट या ग्राफिक डिजाइन का या डिजिटल मार्केटिंग का, जो भी प्लेटफॉर्म जो भी टूल्स आपने यूज किए हो उसको अगर मैंने ऑनलाइन सर्विस दे दूं ठीक है। ठीक है, फाइबर क्या होता है, फाइबर में हमारे पास होता है एक सेलिंग ठीक है एंड बाय बाय, एक सेलर होता है एक बायर होता है राइट। से फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक सेलर हूं ठीक है, यहां पर मैं एक सेलर हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सर्विसेज सेल करूं यूरोप कंट्रीज में ठीक है। पाकिस्तान में भी हम कर सकते हैं लेकिन उसमें जो अर्निंग होती है वो मतलब वो कम होती है ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग एंड बायर में मैं सेलर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, बायर क्या करता है वो मेरी सर्विसेज को बाय करता है, वो मेरी सर्विसेज लेता है। अब बजाय इसके कि मैं फाइबर यूज करूँ ठीक है, guru.com या upwork या check या freelancer.com मैं ये यूज क्यों नहीं करता, वो इसलिए एज अ बिगिनर हम यूज करते हैं फाइबर ठीक है। यूरोप कंट्रीज के जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो ज्यादातर जो है प्रेफर करते हैं अपनी सर्विस अगर वो लेते हैं तो वो fiverr.com की तरफ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस सेलर देते हैं वो स्टार्ट होता है $5 से। $5 से हम ऐसा नहीं होता, लेट्स से अहमद ने जो है एक अकाउंट बनाया हुआ है और स्टार्ट में ही ये अपनी सर्विसेज दे रहा है लेकिन इसने स्टार्ट पे लिखा हुआ है कि $500। मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ लेकिन उस वेबसाइट की जो प्राइस होगी वो $500 होगी। तो यार एक बिगनर सेलर ठीक है, एक मतलब जूनियर सेलर में से कहूँगा, एक जूनियर सेलर वो आता है और वो यहाँ पर $500 का एक्सटेंडेड वेबसाइट सेल करता है, बनाता है अपनी सर्विसेज को, तो बायर आएगा वो सर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो देखेगा कि ये सेलर जो है ये मार्केट में बैठा है ठीक है। मैं मार्केट में बैठा हूँ 12 साल से, सही है, मेरी एक्सपीरियंस जो है वो 12 साल है लेकिन फाइबर पर तो मैं न्यू हूँ, फाइबर पर तो मेरी पहचान नहीं है ठीक है। तो वो मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, वो किसको ऑर्डर प्लेस करेगा, वो कम प्राइस पर देखेगा। फाइबर पर तो आते ही इसलिए है कि हमें जो है कम प्राइस में अच्छी सर्विसेज मिलेगी ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट ओपनिंग ठीक है, जैसे कि आपके कॉन्टेंट में लिखा हुआ है कि अकाउंट ओपनिंग से लेकर ऑर्डर लेने तक, डील करने तक, विड्रॉ करने तक आपकी कॉन्टेंट में लिखा हुआ है ठीक है। जैसे हम चला पढ़ेंगे अकाउंट ओपनिंग मीन के जिस तरह हम अकाउंट्स ओपन करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स में, लेट्स से मैंने एक वेबसाइट ओपन करता, एक प्रोफाइल ओपन करता हूँ फाइबर में, तो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, अभी हमने बनाया जी मेल, मतलब जो भी हो या वो व्हाट्सएप हो, जी मेल हो, जो भी हो, वट एवर आप यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने अकाउंट बना लिया, सही है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अकाउंट ओपनिंग। सबसे पहले हम जो है सेलर अकाउंट को ओपन करेंगे, आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट को कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज मीन के अपने अकाउंट को हम जो है उसमें डिफरेंट अपनी सर्विसेज लिखेंगे। लेट्स से मैं एक वेब डेवलपर हूँ ठीक है, लेकिन इसके साथ ही मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर की टूल्स के बारे में पता है तो मैं उसकी सर्विसेज भी दूंगा। उसी के साथ मैं जावा को भी जानता हूँ, मैं जावा भी लिख सकता हूँ, जावा में भी मैं कोड कर सकता हूँ, उसमें भी मैं बग्स निकाल सकता हूँ, उसमें भी मैं
सॉफ्टवेयर चला सकता हूँ। तो उस केस में हम यहाँ पर अपने नोट को कस्टमाइज करके एक खूबसूरत डीपी लगा के एक खूबसूरत प्रोफाइल बना के जिस तरह हम फेसबुक में बनाते हैं प्रोफाइल को, हम वर्क प्लेस देते हैं, एजुकेशन और डेट ऑफ बर्थ, सिंगल मैरिड, वो सब चीज़ें हम काम लेते हैं। तो सेम द केस हियर, यहाँ पर भी हम जो है वो चीज़ें देंगे। ठीक है, आफ्टर दिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, गिग्स, गिग्स जानते हैं, गिग्स क्या चीज, वो तो बग्स होते हैं। गिग्स मीन अपनी सर्विसेज डिस्क्राइब करना, राइट, अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करना। लेट्स से मैं एक वेब डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैं वेब डिजाइनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अपने गिग में कि मुझे HTML भी आता है, CSS भी आता है, Bootstrap भी आता है, JavaScript, jQuery, PHP, Development, Coordinator, जो भी लैंग्वेजेस हो, वेब डेवलपमेंट में लाइक वर्डप्रेस, वो सब चीज़ें मुझे आती है, वो मैं वहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। तो गिग क्रिएशन ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, राइट। अच्छा, गिग में आप जो है होते हैं तीन चार महीने में और भी, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि मेरी सर्विसेज ये है, ठीक है, उसके बाद मैं प्राइस को डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन स्टार्ट आपने लेना है $5 से, कितने से, $5 से आपने स्टार्ट लेना है। क्यों, क्योंकि जो सेलर्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो सेलर चाहिए उसके अगर प्राइस कम हो तो हम उसको जो है हायर करेंगे। एक बार आप प्लान बन गया, ठीक है, आपने उसको अच्छी सर्विस दे दी, आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे किए, तो वो प्लान में आपका ये वो जब तुम्हारा नेक्स्ट टाइम उसको जरूरत पड़ेगी डिजाइन करने में तो वो आपके पीछे ही आएगा। लेकिन सर हम कहते हैं कि यार हमें एक सेलर, हम सेलर से हम बैठते हैं तकरीबन शाम के 6 बजे से मतलब 10 o'clock तक, उसके बाद फिर हम 12 से 2 तक, ये टाइमिंग होती है जब यहाँ पे यूरोप कंट्रीज में दिन यहाँ पे रात तब जो है बायर ऑनलाइन होते हैं, तब वो अपने पोस्ट को जो है पोस्ट करते हैं, अपने जो उसको रिक्वायरमेंट्स हो वो पोस्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, मैं करता हूँ सबको पिक्चर वगैरह लगा के लगाता हूँ, आप इसको वीडियो ऑडियो भी अपनी वेबसाइट से लेके वो पेस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ उसके यार जो सेल आता है उसको मैं परमानेंट बना लूँ, ठीक है। तो गुड कम्युनिकेशन, आपने उनके साथ जो है एक गुड कम्युनिकेशन मतलब अच्छी बात मतलब एक अच्छे तरीके से बात करनी होगी, यानी कि मतलब आप इनफॉर्मल उसके साथ मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज मॉर्निंग टाइम में हेलो सर हाउ आर यू गुड मॉर्निंग इस तरह, ठीक है, ये नहीं कि हाय हाय आई एम डेवलपर आई एम द ब्ला ब्ला ब्ला, ये नहीं, आपने उसके साथ एज अ प्रोफेशनल डील करना है, गुड इवनिंग सर या मैडम हाउ आर यू थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट या थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, जो भी आपने वो उसकी जो की वर्ड्स है जो प्लेसमेंट्स है वो मैं आपको दिखा दूंगा या व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, आपको वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट उसको सेंड किया करें। इसके बाद रात के टाइम जब यहाँ पे रात हो जाए रात दिन हो जाए तो बाहर ऑनलाइन होते हैं, तो हमने रात के टाइम उनको रिक्वेस्ट सेंड कर दी होगी, ठीक है, रिक्वेस्ट मीन कि उनको हमने ये बताना है रात के टाइम जब वो ऑनलाइन हो जाए कि ये सर्विसेज हम दे रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले जो है या बांग्लादेश वाले ये बैठे हुए हैं, अच्छा फाइवर के ऊपर आपको पता भी नहीं होगा ऑर्डर हम लोगों ने दिया होगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऑनलाइन होते हैं कि सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट हम सेंड करें, ठीक है,
अगर सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर हमें मिलता है, ठीक है। अगर हम 10 मिनट की नीड करते हैं तो पास हो जाओ एक सेंड को वाले नंबर से करके 50 रिक्वेस्ट पर सेंड चाहिए, 50 रिक्वेस्ट की तरह तो यो आंसर ना बस सेकंड इंडिया वालों को तलाश थी तो वहाँ से खूब कर रखे हो रखे ना बस एक बार इसमें एक्टिव रहना जी एक्टिव रहना ये सब आपने एक्टिव रहना होगा एक्टिव होता है सिक्स स्टार जो कमरे प्रोफाइल में थी इसमें लेवल होते हैं लेवल 1, 2, 3 इस तरह लेवल से थे इसमें तो जब आपका 5 स्टार लेवल बन जाए तो फिर आपके पास ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स होते हैं। हमारे पास जो है टाइम नहीं होता तो हमने बंदों को हायर किया होता है, ऑर्डर्स देते हैं उनको अपने कमीशन देते हैं सैलरी देते हैं और हमारा काम भी चल जाता है, ऑर्डर भी देते हैं और प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाती है, राइट समझ आ गई। अच्छा उसके बाद आते हैं पेमेंट विड्रॉ, पेमेंट अपने फाइवर अकाउंट से कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे हम, राइट। देखें दो मेथड्स हैं बल्कि तीन मेथड्स मेथड्स हैं। नंबर वन हम अपने बैंक पर ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पेमेंट को, राइट। सेकंड हम जो है फाइवर एक रेवेन्यू कार्ड होता है उसके जरिए पेमेंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। थर्ड हम पेमेंट को पायनियर कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं, मैं खुद जो है बैंक ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। तो चला आप भी बैंक अकाउंट में ना तो उसके ऊपर ट्रांसफर आप कर सकते हैं, राइट। जब आप ऑर्डर मिल जाए कंप्लीट हो जाए आपका जो डिलीवर कर दिया ऑर्डर तो उसके बाद आपने जो है आपकी पेमेंट जो है वो आपको मिलेगी 15 डेज में, 15 डेज साइकिल होती है। इस 15 डेज में बायर आपकी ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है, आपके ऑर्डर को वो कैंसिल भी कर सकता है, आपने काम किया होगा लेकिन अगर उसको आपका काम या आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो वो आपके ऑर्डर को कैंसिल करता है। बायर के साथ जो है 100% उसके पास फुल अथॉरिटी होती है, फुल उसके पास राइट्स होते हैं कि वो ऑर्डर कैंसिल करें अपने पेमेंट को वापस करें। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपने गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ कर दी है और उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर कि मैं प्रोफेशनल डीलर हूँ, प्रोफेशनल सेलर हूँ, बायर हूँ, डेवलपर हूँ और मैं आपको जो है फ्यूचर में भी अच्छा एक सर्विस दूंगा, इस तरह डील कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब बातें मैं फिर आपको दे दूँगा व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा या ई मेल पर तो आप वहाँ से इसकी आइडिया को, राइट। यस एनी क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ बिना हो गया आपने ऐसा भी तो आप स्टार्ट करते हैं बार्गेनिंग आप नहीं कर सकते, आप बहुत में आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि यार 50,000 मुझे रोटी मुझे काम स्टार्ट करूँगा, वो कहते हैं कि नहीं मैं आपको 30 डॉलर दूंगा आप काम स्टार्ट करूँगा, इस तरह बार्गेनिंग हम कर सकते हैं। check.com में आप इंस्ट्रक्टर एक ट्रेनिंग जिस तरह मैं आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो चेक में आप एज अ इंस्ट्रक्टर काम करेंगे एज अ ट्रेनर। यहाँ पे आप जो है केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट्स हो आप अपनी स्पेशलिटी यहाँ पे डिस्क्राइब करके पोस्ट कर दें, ये आपको एक घंटे का $20 देगा। एक घंटा आप स्पेंड करेंगे ठीक है स्टूडेंट के साथ तो वो आपको देगा check.com $20 एक घंटे का, राइट? यस सर। लेकिन यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है जब प्रोफाइल बनाएंगे आप यहाँ पे हमने कोई पिक्चर वगैरह इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पर जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आपने आपकी डिग्री ठीक है अपनी डिग्री आपने अपने फेस के साथ इस तरह पकड़ के उस पिक्चर निकाल के आपने अपलोड करना होगा, ये रिक्वायरमेंट है आपको ठीक है ना। लेट्स से मैं MS क्वालिफाइड हूँ, मैंने MScS किया हुआ है, MS कंप्यूटर साइंस, मैं MS की डिग्री इस तरह पकड़ के यहाँ पर अपलोड कर दूंगा तभी ये अपलोड होगा मेरा अकाउंट। Freelancer.com यहाँ पर हम इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, Fiverr, Glue.com आप ऑल कैन चेक करते हैं, इंडिविजुअल भी आप अकेले इस पे काम कर सकते हैं, राइट? Freelancer में ये रिक्वायर्ड करता है कंपनी, उनके पास जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लाखों में होते हैं, तो ये आपको जो है एज अ कंपनी मतलब आपके पास टीम होनी चाहिए, यहाँ पर भी टीम होगी लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स ये नहीं है Fiverr में, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि अगर मैं काम दूंगा सपोज 5 लाख का एक प्रोजेक्ट है तो आपने उनको कंपनी शो करना होगा कि मेरे कंपनी हिसाब से कंपनी, राइट? ये और प्रोसेस जो है ये हमारे पास है फिलहाल से, उसके बाद फेसबुक की अर्निंग जो है यूट्यूब की अर्निंग जो है वो अलग प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप की अर्निंग है, गूगल एडसेंस की अर्निंग है, वो अलग प्लेटफॉर्म्स है ठीक है। हम जो है सिर्फ डिस्कस करेंगे फाइवर, क्लियर? आज हम अकाउंट बनाएंगे, कल कस्टमाइज करेंगे, परसों भी बनाएंगे, उसके बाद हम फिर अच्छा इसमें आप 7 भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एज अ जीरो सेलर, अभी हम जीरो सेलर हैं, जीरो सेलर आप 7 किट बना सकते हैं ठीक है, एक किट में बनाऊंगा बाकी आप देखो बना सकते ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी वीक में हम फाइवर को कंप्लीट करेंगे। Freelancer.com में एज अ कंपनी लेट्स से मेरी कंपनी है, मेरे पास 5-6 डेवलपर से अच्छी खासी मेरे ऑफिस को हायर किया हुआ है, मैं सैलरी दे रहा हूँ ऑफिस को, तो ये लोग आपसे रिक्वायर करता है आपकी कंपनी आपका ऑफिस आपका ऑफिस होना चाहिए, आपके पास डेवलपर होना चाहिए, आपके पास सेटलमेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है आप ये रिक्वायर करता है तभी ये आपको ऑर्डर देता है ठीक है। मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपको स्टार्ट में स्टार्ट आप ले लें Fiverr.com से ठीक है, लोग जो है अपने घर के खर्चे फाइवर से चला रहे हैं ठीक है। अगर आपके इंटरेस्ट इसमें हो आपका शौक हो फाइवर के साथ ऑनलाइन अर्निंग के साथ जितना काम हमने किया है HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, ऑलमोस्ट हमने 5 to 6 लैंग्वेजेस पढ़े हैं ठीक है। डिजाइनर आप लोग एक डिजाइनर बन गए हैं, आप लोग वेब डिजाइनर हैं अभी ठीक है। वेब डिजाइनर का काम क्या होता है, एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना, एक रिस्पॉन्सिव साइट बनाना, वेबसाइट से डिजाइनिंग से उसकी बग्स निकालना, उससे एरर निकालना, जावास्क्रिप्ट में एक टास्क करना, बूटस्ट्रैप में एक टास्क करना, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है। इसके बिल्कुल भी ना करें, अकाउंट पर बनाता हूँ मैं, अकाउंट बनाता हूँ सुविधा के लैपटॉप में आप खुद पर बना लें, इसके लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट रिक्वायर्ड होगा, बस बाकी कुछ भी नहीं ठीक है। इंशाल्लाह सून में जब हमारा ऑफिस अपन हो जाएंगे तो फिर मैं इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा यूट्यूब पर, फिर अगर आप कोई बसता हो तो वहाँ से भी आप इसकी नॉलेज ले सकते हो ठीक है। स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी, वो मैं सुन के आता उस दिन फीमेल स्टूडेंट्स थी Fiverr पे अकाउंट स्टार्ट कर लेंगे ठीक है सर। ये अभी जॉब देखा था कि